क्या एड्रेनलिन रश फील होता है बॉडी के अंदर, मतलब ऐसा लगता है सटाक से कुछ हुआ अंदर, ऐसा जोश आता है ना, जरा सा अगर रेव करो या जरा सा स्पीड अप करो तो। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी, लौट आया अपने नए एपिसोड के साथ। और आज के ब्लॉग में होने वाली है चीज खास, क्योंकि अपन जा रहे हैं फिलहाल घूमने और सोच रहा हूँ फुलवारी भी देखो जाने का, बट आज औरा मॉल साइड से जाएंगे, आज पीछे वाले रास्ते से घूमते हुए जाएंगे। बट आज कुछ काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली है ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। मौसम तो अजीब सा हो रहा है, थोड़ा डल मौसम है, बाइक निकालने का वैसा मन नहीं है, लेकिन बाइक नहीं निकालो तो भी नहीं रहते बनता, तो जाते हैं देखते हैं आज क्या होता है। और थोड़ा बहुत पेंट्स हो गए अपने यहाँ रूम में, इधर इधर कुछ चीज़ें हुई है अभी अपग्रेड, रुको जरा सबर करो, कुछ दिन बाद दिखाता हूँ। अभी तो फिलहाल मैं निकलते हैं, देखते हैं कोई ना कोई मिल जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, या अभी कोई फिक्स प्लान नहीं है टू बी फ्रैंक, अभी जस्ट ऐसे ही निकल रहा हूँ, देखते हैं निकलते हैं तो मैं फिर समझते हैं कि आज का क्या सीन है। सो स्टे ट्यून्ड एंड पूरा ब्लॉग ध्यान से देखना, मज़ा आने वाला है। तो गाइस आज अपन निकल गए हैं शाहपुरा की ओर, लेकिन आज अपन को थोड़ा बहुत काम भी है, तो अपन जाएंगे औरा मॉल होते हुए। तो आज काफ़ी दिनों बाद अपन राइट लेके जाएंगे, और आज सीधे सीधे नहीं जा रहे, आज अपन राइट से टर्न लेके काफ़ी घूमते फिरते जाएंगे औरा मॉल होते हुए। तो देखते हैं आज का माहौल क्या होता है। यहाँ देखो पानी क्या खतरनाक बह रहा है भाई साहब, वो देखो खुदाते फंदाते ले जाते हैं लोग, ये छीटा उड़ाएगा देखो। खतरनाक माहौल है यहाँ पे, तो रोड ही नहीं है। आज मौसम अजीब सा आ रहा है यार, वाइब नहीं आ रही कि मतलब व्लॉगिंग करने वाली, पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखते हैं आज कुछ ढंग का होता है कि नहीं, मतलब मौसम को देख के तो थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है, मतलब ये वाली जो लाइट्स होती हैं कि प्रॉपर धूप भी नहीं है, प्रॉपर छांव भी नहीं है, ये बहुत अजीब हो जाती है। यहाँ पे तो बहुत सारी गाय खड़ी हुई हैं और जैम लग गया, क्या सीइंग हो रहा है भाई, इतना शानदार। अरे धीरे चलाओ रे, बारिश के टाइम पे लिटरली इतना गुस्सा आता है अगर कोई चीट देता है ना, बहुत ज़्यादा, कि भाई आराम से चलाओ ना, हम भी आराम से चला रहे हैं। तो बाइक का अपन को एयर प्रेशर चेक करवाना है, लेकिन वो होगा शाहपुरा साइड से। तो अभी अपन एक काम करते हैं, घूम फिर लेते हैं, फिर उसके बाद आते टाइम में एक बार चेक करा लेंगे एयर प्रेशर, और नहीं तो रिक्वायर्ड रहा तो पंचर बनवा लेंगे अगर पंचर होता है तो। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा कि पंचर होगा, पता नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। थोड़ी सी मोबल करती है बाइक तो मेरे को थोड़ा घबराहट ही होती है, मतलब मैं सोचता हूँ कि टायर हमेशा सही रहे, क्योंकि टायर ही सबसे बड़ी चीज़ है बाइक के लिए एक तरीके से, क्योंकि अगर टायर अच्छे नहीं है तो बाइक में दिक्कत आ सकती है, बाइक गिर सकती है, डिसबैलेंस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एयर प्रेशर अगर कम रहता है और बाइक अगर गड्ढे में तेज़ी से जाती है तो रिम टूटने के अक्सर बेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपने देखा भी होगा ऐसे केस आए होंगे जिसमें आप 50 60 या 100 की स्पीड में चल रहे हो और रिम बेंड हो जाते हैं। रिम बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इस पर अगर तुम्हें जानकारी चाहिए तो यहाँ ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको खोल के देख लेना, उसमें आपको पता चलेगा एलॉय व्हील और स्पोक व्हील में क्या अंतर है। तो उसमें जाके आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि रिम से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं बाइक में वो क्यों आते हैं। विराशा हाइट साइड आ गए अपन, और अब अपन जा रहे हैं औरा मॉल। तो रोड तो बड़ी ख़राब है, अपन को बहुत देख देख के जाना पड़ेगा आराम से, धीरे धीरे हौले हौले। एक तो मौसम बारिश जैसा हो रहा है लेकिन बादल नहीं है, मतलब वो अजीब सा डल मौसम हो रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, अजीब सी वाइब्स आ रही है, पता नहीं, नेगेटिव वाइब। ये देखो यहाँ तो गड्ढे भाई, सड़क कहाँ है यहाँ, सड़क कहाँ पर है, सड़क गड्ढे ही गड्ढे, ये देखो गिट्टियाँ पड़ी है, गड्ढे हो रहे हैं, ये तो ट्रक ही खड़ा कर दिया भाई साहब, ये अलग लेवल की स्वैगर है, स्वैगर, बीच में ट्रक खड़ा कर दिया उन्होंने, वो भी ऐसी जगह किया जहाँ पे थोड़ी सी रोड है, थोड़ी सी मतलब नाम मात्र वाली रोड, वहीं पे ट्रक खड़ा कर दिया कि वो भी ना दिखे।
पैदल चले जाए अपन गाड़ी यहाँ पार्क करके, आगे छोड़ देना यार। हाँ मतलब खुद सोचो ये देखो क्या घटिया रोड हो रही है, रोड ही नहीं है यहाँ तो। आई एम गेटिंग अ कॉल। मैं तो हूँ 10 नंबर पर ही हूँ, पर 15 मिनट में आ रहा है। फुलवारी पे मिलूँ? हाँ चलो फुलवारी पहुँचो, आ रहा हूँ। तो भाई ऐसा प्लान बनता है, अभी देखो अपन घूमने फिरने वाले थे लेकिन अब कॉल आ गया कि फुलवारी आ जाओ, पर्व भी आ रहा है और पर्व का फ्रेंड है रोहन जिसका एक ब्लॉग डाला भी था अपन ने, मदद की थी भाई की। अब किस चीज़ में मदद की थी वो तो नहीं पता, लेकिन यह है कि मतलब वो बता नहीं सकते तो मैं नहीं पता वो पूरी बात, लेकिन बस मदद की थी और वो बहुत बड़ी मदद थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो एनीवेज अपन जा रहे हैं अभी आप 10 नंबर और यहाँ से धीरे से क्रॉस हो जाते हैं और उसके बाद औरा मॉल होते हुए अपन फुलवारी पहुँचेंगे। तो आज काफ़ी घूमना फिरना हो जाएगा, लेकिन बीच में मुझे रुकना है भाई के घर पे, तो फिर उसके बाद अपन चलते हैं। तो या लेट्स रोल। कहीं गड्ढे हैं तो कहीं स्पीड ब्रेकर है तो कहीं कहीं ये देखो पत्थर वत्थर ही छोड़ गए भाई बीच में। ये देखो यहाँ तो ऐसा बड़ा गड्ढा कि कोई इंसान रात में आए तो लाइक लिटरली गिर जाए भाई मोंदा होके। हाँ हाँ रॉट व्हीलर और सेंट बर्नार्ड, लेकिन सेंट बर्नार्ड कैसा हो रहा था यार, खतरनाक था। बाप रे रोड कहाँ है ये देखो क्या गलत स्थिति है यहाँ पे। तो एक तो रोड नहीं होने से ना यार ऐसा बार बार लगता है कि टायर पंचर ना हो गया हो, पंचर है क्या, क्योंकि रोड नहीं होती तो फिर वो टायर थोड़ा सा वॉबल करता है तो ऐसा लगता है कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली। यूजुअली ये रास्ता खाली ही मिलता है तो ये है कि टाइम बहुत बच जाता है अगर आप पीछे वाले रास्ते से आते हो तो। बस ये है कि थोड़ा बहुत ख़राब भी है तो अब ख़राब है, पहले तो सही था अब ख़राब है तो इस वजह से थोड़ा देखना पड़ता है यार। अभी अपन पहले भाई के यहाँ जाएंगे, भाई के यहाँ पे ये सामान ड्रॉप करना है, वो ड्रॉप करने के बाद अपन चलेंगे सीधा 10 नंबर। तो रोल करते हैं अब थोड़ा तेज स्पीड में चलते हैं अब थोड़ा। उधर नहीं जा रहे यार, रोड खराब है, यहाँ से इधर घूमते हुए जाते हैं, थोड़ा कैंपियन का एक राउंड मार लेंगे। रोड तो यहाँ की भी खराब ही है, अरे बारिश के टाइम पे अभी क्या ही उम्मीद करोगे। खैर अपन ये ठंड के टाइम से देख रहे हैं, लास्ट मतलब 8-1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। खैर तब सरकार अलग थी अब सरकार अलग है, लेकिन गड्ढों की स्थिति तो सेम है भाई। अपन के लिए तो ऐसा है अपन सिर्फ उसको वोट देंगे जो सड़क बनवा दे। हाँ सीधी सी बात है भाई, बाइकर आर लाइक दैट, मतलब जितने हैं ज़्यादातर जितने मुझे पता है कि भाई आप रोड बना दो अब तो आपको वोट दे देंगे। मतलब नोटा अगर रोड बनाए, नोटा कोई पार्टी नहीं है, नोटा तो पता होगा ना, हाँ नोटा वाले अगर रोड बना दे तो मैं तो नोटा को वोट दूँ, मतलब नोटा लोटा। चलो बाबा चलते हैं, मेरा मैं को क्या नींद पूरी नहीं होती तो फिर नशे हो जाते नींद के, तो मैं ऊटपटांग बात करने लग जाता हूँ। कहाँ जा रहे थे भैया, कहाँ मतलब एग्जैक्टली जाना कहाँ चाह रहे थे, रॉन्ग साइड से मतलब हमें पासिंग लाइट देनी पड़ी, बताओ कि भैया देख लो आगे क्या, तो झरना बनाया है इन लोगों ने, झरना नहीं मतलब इसको क्या फव्वारा। ओहो ये देखो यहाँ पे अनबंड लोग ज़्यादा आते हैं, अपन फव्वारा देख रहे थे वो अपन में बड़े आता आके, मैं बता रहा हूँ ना यहाँ बड़े गलत लोग आते हैं भाई, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, मतलब लोग अनबंड ही चलाते हैं गाड़ियाँ यहाँ पे।
यहाँ का छापरा पे तो आज कोई माहौल नहीं दिख रहा खास, पता नहीं दो दिन से नहीं दिख रहा यार। कल भी कोई माहौल नहीं था खास, कल भी ऐसे ही था, सब खाली खाली था, और आज भी सब खाली खाली था। एक फ्रेंड मिल गई है, रुक जाते हैं ज़रा सा। फील होता है बॉडी के अंदर, मतलब ऐसा लगता है सटाक से कुछ हुआ अंदर, ऐसा जोश आता है ना। जरा सा अगर रेव करो या जरा सा स्पीड अप करो तो रेविंग पे भी आता है भाई जोश। चीनू मामी ये ले लो, मैं आता हूँ फिर थोड़ी देर बाद। ठीक है, हाँ मैं मिलता हूँ फिर। तो अपन पहुंच गए ऑलमोस्ट फुलवारी, और आगे से राइट टर्न लेके बस थोड़ा सा ही आगे जाना है और फुलवारी काट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट लगेगा मेरे हिसाब से, पर अभी आया नहीं होगा। रोहन तो यहीं पे था, तो अब शायद अपन ही पहुंचेंगे पहले या फिर दूसरे नंबर पे, देखते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा, पर थोड़ा सा लेट लतीफ़ा है सही में। वो भी मेरे भाई है ना आखिर, मतलब सब साथ वाले भाई है सबके सब, तो बस वही सीन है यार। इसमें टाइडी टेल लगाने की सोच रहा हूँ मैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है ना कि उसके बाद जो पानी उछालती है गाड़ी पीछे वाले की, तो बैंड बच जाती है। और सबसे बड़ा इशू क्या है कि जब आप बाइक चला रहे होते हो, और तब जब यहाँ पे कोलार पे स्पेशली पानी हर कहीं से कहीं पड़ा है, इवन गर्मी में पानी बह रहा है कहीं से कुछ हो रहा है, तो भाई आप कभी भी वो उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको कुछ अच्छा मतलब अच्छे उसमें घूमने की उम्मीद नहीं कर सकते आप। कहीं पे भी पानी कहीं पे भी कुछ है तो वो एक प्रॉब्लम आ जाती है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। मैंने सोचा हाथ दिखाया है कि क्या रोका था कि कुछ कह रहे थे। हाँ थोड़ा मिलना था आपसे। अच्छा मैं यहीं जा रहा हूँ फुलवारी, आ जाओ। चलो चलो चल बाबा। भाई कैसे भाई? सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।